हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू कर दें डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आया है। उसके पहले कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे नहीं है, जरूर जुड़िएगा, @NiftyWeb आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समरी को जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में आज उसने सेलिंग की है, पुट में अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग कर दी और स्टॉक फ्यूचर में दोस्तों शॉर्ट कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII ने इंडेक्स फ्यूचर पर जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों शॉर्ट किया, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट में अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। DI की बात करेंगे तो DI ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पुट में कोई पोजिशन नहीं, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। दोस्तों, डेटा को देख के ये समझ में आ रहा है कि मार्केट आज क्यों ऊपर गया, क्योंकि मैक्सिमम जो डेटा है शॉर्ट कवरिंग के हैं। जो भी ट्रेडर हैं उन्होंने आज शॉर्ट कवरिंग बहुत की है, लेकिन क्लाइंट फिर से जो है उल्टे आने की कोशिश में है। क्लाइंट ने प्रॉफिट बुकिंग तो किया है ऐसा लग रहा है, लेकिन अब इनकी पोजीशन किस साइड है और ये जो FII है इन्होंने जो शॉर्ट कवर किए हैं, तो क्या इनके लॉन्ग्स कुछ आए हैं कि नहीं आए हैं, वो आइए चेक करते हैं ताकि हमें एक सही से जो है क्लू मिल सके डेटा के बेस पे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पर देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है अब इसके पास 61,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया, DI के पास 21,000 जो है शॉर्ट हो गया, FII के पास 18,000 शॉर्ट हो गया। तो इनके जो इंडेक्स फ्यूचर कंटिन्यू जो रिड्यूस हो रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, इस पे हमें फोकस करके चलना होगा। प्रो के पास देखेंगे तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बढ़ा दिया शॉर्ट में, 21,000 हो गया। अब इंडेक्स कॉल चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट के पास 110 जो है शॉर्ट था, अब इन्होंने 237 कर दिया, यानी इनकी फ्रेश कॉल जो है सेल की है नए में। FII के पास देखेंगे तो 249 जो है कॉल लॉन्ग था, अब इनके पास 213 लॉन्ग है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कही है, जो भी कि कुछ पोजिशन यहाँ पे स्क्वायर अप हुई है। प्रो के पास देखिए, शॉर्ट के सामने अब जो है लॉन्ग आ गया कॉल में, 23,000। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो इंडेक्स पुट पे देखिए, क्लाइंट के पास जो 579 शॉर्ट था, अब महज 178 जो है शॉर्ट हो गया। DI के पास 116 जो है लॉन्ग है, पहले के बराबर ही है, बिल्कुल सेम पोजिशन है। FII के पास देखिए, जो पुट लॉन्ग था वो कम हुआ है, 434 के सामने 339 कर लिया। अब प्रो के पास देखिए, 28,000 जो पुट लॉन्ग था, अब अचानक इन्होंने 278 शॉर्ट कर दिया, यानी कि सीधे लॉन्ग से जो है ये पुट में जो है शॉर्ट में आ गए। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट के पास वही 13 लाख जो है लॉन्ग है, DI के पास वही 14 लाख जो है शॉर्ट सेल है, FII के पास 1,35,000 जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 2,80,000 जो है लॉन्ग है। तो ये जो 135 FII का जो शॉर्ट है वो पहले से कम हुआ है और जो प्रो का जो लॉन्ग है वो पहले के बिल्कुल बराबर ही है और बाकी जो DI और क्लाइंट है इनके दोनों के सेम डेटा है। तो अब इस डेटा को तो देख के इतना समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे FII और प्रो है, इन्होंने अचानक जो है अपनी चाल जो है बदली है और आज केवल शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अगर कल मार्केट में फॉलो अप बाइंग आती है तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आइए हम इस डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं फाइनली और चेक करते हैं कि किसके पास क्या क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्लाइंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लाइंट है इसके पास 61,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 237 जो है कॉल शॉर्ट है और जो पुट शॉर्ट है वो है 178। तो टोटल इसके पास जो MTM पोजीशन निकल के आएगा वो हो जाएगा 2,362। तो अब इनके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वो काफ़ी कम हो गई। अब इसके बाद हम लोग FII को चेक करते हैं। तो FII के पास देखिए, 18,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 213 जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 339 जो है लॉन्ग है। तो इनकी जो टोटल MTM पोजीशन हो रही है वो हो जा रही है 144। इनके पास 1,44,000 जो है अभी भी सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए, 21,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है और 23,000 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 278 जो है पुट शॉर्ट है। तो इनकी जो टोटल MTM पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 280 जो है लॉन्ग में आ गए। तो ये देखिए, ये अचानक शॉर्ट से जो है ये यहाँ पे लॉन्ग में आ गए। तो अकेले जो प्रो है उसने आज मार्केट को जो है यहाँ पे लीड कर दिया है बाई करके, शॉर्ट कवरिंग तो की, साथ में फ्रेश में उन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग भी जो है आज ओपन किए हैं और FII की जो पोजीशन है वो महज 144 शॉर्ट सेल में है और क्लाइंट अब ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट सेल साइड आ जाएगा। और अगर ये शॉर्ट सेल साइड आ जाता है, अगर कल के डेटा में ये लोग सेल साइड आ गए, तो
सकते हैं, ये समझिएगा कि मार्केट यहाँ से फिर रॉकेट की तरफ भाग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ये पिछले 3 दिनों से जो बड़े ट्रेडर हैं ये क्लाइंट को जो है शॉर्ट सेल डालने की फिराक में थे, क्योंकि इनके डेटा को देख के ऐसा लग रहा था, बिकॉज ये कहीं से भी डेटा ओपन नहीं कर रहे थे। अगर आप चार्ट को देखोगे तो इनकी जो प्लानिंग है आपको समझ में आ जाएगी। मार्केट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल रेंज में घूम रहा था, और ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरीके से लोग गलती करें ताकि गलत साइड में आए, और अगर ऐसा होता है तो आपको नए हाई जल्दी दिखाई देंगे, और हो सकता है उसके बाद एक तेज़ी दिखाई देगी, और फिर ये लोग यही गेम जो है यहाँ पे प्ले करेंगे, बिकॉज डेटा जो है इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग ऑप्शन चेन का भी डेटा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एडवांस एक्सेल शीट में दिखा दूँ कि आप देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, और कुछ यहाँ पर OTM पे भी जाके कॉल लॉन्ग हुए, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो टोटल कॉल सेलर है 29 लाख है, एंड जो पुट सेलर है वो 40 लाख है। सो देखिए कहाँ जो है 4 लाख का डिफरेंस था, जिसमें हमारे कॉल सेलर जो है ज़्यादा हुआ करते थे, अब आपके पास देखिए पुट सेलर ज़्यादा हो गए, वो भी 10 लाख के डिफरेंस है। तो बैंक निफ्टी का डेटा हाईली जो है पॉजिटिव हो गया, वो भी 1 डे के सेशन में। यहाँ पे देखिए जितने भी ITM के जो कॉल्स हैं यहाँ पे भर भर के शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब जो मेजर जो वाई है वो 44,500 पे है, यानी कि अगर 44,500 कल मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपको लॉन्ग साइड रहना है। 44,500 सस्टेन होते ही आपको एक अच्छी खासी मूव दिखाई देगी। OTM पे देखिए तो भर भर के पुट सेलिंग हुई है, ITM पे भी जो है सेलिंग हो गई है, और अच्छे खासे जो है यहाँ पे शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। जितनी भी ITM की स्ट्राइक है देखिए यहाँ पे सब पे जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है। मैक्सिमम जो यहाँ पे OI जो है बिल्ड हुआ है 44,300 पे है, जो कि 223 का है, और उसके बाद 44,200 पे, यानी कि 200-300 दोनों जो स्ट्राइक है ये एक उम्दा जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट किसी भी रीजन से कहीं करेक्शन देता है या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो 300 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल दिख रहा है, वहाँ पर हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। अब देखिए निफ्टी के ऑप्शन चैन में चलते हैं। निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है 24 लाख जो है कॉल सेलर एंड 22 लाख जो है पुट सेलर। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है अभी भी जो है थोड़ा सा कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ की जो शॉर्ट कवरिंग है थोड़ी सी उतनी हुई नहीं है, लोग अभी सेल होल्ड कर रहे हैं। ITM पे कुछ स्ट्राइक पे सेलिंग है, अदरवाइज बाकी पे देखेंगे तो सेम वही पोजिशन खड़ी, और यहाँ पे नियर ITM पे तो काफ़ी सारी जो है पोजिशन घटती हुई नजर आ रही है। अब ये जो 2 लाख का जो वाई है 90,450 पे, यही मार्केट का डायरेक्शन जो है देगा कल। अगर 19,450 के ऊपर अगर आप बनने लगेंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप ऊपर स्केल कर सकते हैं, बिकॉज 500 के ऊपर भी एक अच्छा खासा है, 3 लाख के करीब है, और 500 तो एक उम्दा रेजिस्टेंस पहले से ही खड़ा है। 500 का टूट जाए निफ्टी में तो फिर कुछ बात बन जाएगी। यहाँ पे देखिए OTM पे यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, और सेलिंग जो है अब आ चुका है। ITM पे देखेंगे तो 90,400 पे आपको एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 2,52,000 वाई है, काफ़ी अच्छा वाई है, यानी कि 90,400 पे अब सपोर्ट जो है शिफ्ट हो गया जो 300 वाला हुआ करता था। सो 90,400 के आसपास भी हम लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।